वाइजर अभी ओपन है, अपन ने वाइजर क्लोज करते हैं। और अभी मैं हॉर्न बजा रहा हूँ, हॉर्न की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मैं बोल रहा हूँ तो, और मार्केट में नॉइस कितना है ये बताना भाई। पैसा खर्च कर दिया तुम्हारे भाई ने ऑडियो के पीछे तो, पर यार ऑडियो शानदार आ जाना चाहिए नहीं तो भाई पैसा बर्बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज का जो वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी को लेकर गोप्रो में यार बहुत से सवाल थे यार, कौन सा माइक बेस्ट है। तो भाई वही माइक के बारे में आज मैं आपको बता देता हूँ कौन सा माइक है और कौन सा मैं यूज़ करता था और कौन सा मैंने नया ले लिया और कौन सा मैं यूज़ करने वाला हूँ। चार माइक है, चौथा माइक मैं लगाने जा रहा हूँ मेरे गोप्रो में। सबसे पहले मैंने बोया लगाया, देन मैंने मोनो लगाया, देन मैंने निवेर लगाया, अब फाइनली मैंने एक माइक ले लिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। थोड़ा कॉस्टली है यार, अगर बजट बने तो ले लेना। माइक की ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, दोनों का मैं ऑडियो टेस्ट करूंगा। जो मेरे पास मैं पहले यूज़ कर रहा था निवेर, जो मैंने लद्दाख में भी यूज़ किया है, जो अब मैं यूज़ करूंगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वीडियो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राइडर आसिफ व्लॉग्स में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैं बाइक के रिव्यू से रिलेटेड एंड टॉप स्पीड मोटो व्लॉग ट्रैवल इन सब से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना कि भाई मोटो व्लॉग देखने में इंटरेस्ट है, ट्रैवल में इंटरेस्ट है या बाइक से रिलेटेड रिव्यू में इंटरेस्टेड है, तो भाई एक बार सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट्स भी कर देना। कुछ भी रिक्वायरमेंट हो आपकी या कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम आईडी है एट राइडर आसिफ व्लॉग्स इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। तो भाई देखो बात ऐसी है, अपन ने लगभग है ना मतलब चौथा माइक है, पहले मैंने जैसा कि आपको बताया बोया माइक मंगाया जो कि कुछ दिन टाइम के लिए सही काम करा, बट वो कई टाइम क्या सपोर्ट नहीं करता था यार, ऑडियो अच्छा नहीं आता था या ऑडियो जो मेरी वीडियो फुटेज रहती थी वो ब्लैंक रहती थी। फिर मैंने मंगाया अपना एक जो मोनो माइक, अच्छा था नो डाउट, 650 का है, नो डाउट माइक काफ़ी अच्छा, लेकिन उसमें कहीं पिंच सा साउंड आता था, तो वो भी मैंने आपको एक वीडियो बनाया था वो भी आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने मंगाया था अपने निवेर जो 50 रुपये का माइक था, लेकिन ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, माइक भी अच्छा था, लेकिन उसका जो ऑडियो क्वालिटी ना यार दबी दबी आती थी यार, जो कि मुझे पसंद नहीं है। फिर फाइनली तुम्हारे भाई ने मंगा लिया, खर्चा कर दिया तुम्हारे भाई ने अब फुल, और माइक मंगा लिया ये वाला भाई, रोड का लेवलियर गो माइक मंगा लिया भाई अपन ने, और ये माइक है भाई 6000 का, तो लिटिल बिट कॉस्टली समझ सकता हूँ भाई, ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है मिलेगी। जो माइक है ना यार काफ़ी अच्छा है, नो डाउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसके यार एक चीज़ लगी मैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यार। हेलमेट में मैंने टेम्परेरी माइक लगा लिया है क्योंकि मेरा एक निवेर वाला माइक लगा हुआ है, लोकल माइक था वो, 250 का मैंने लिया था, वो मैंने लगा हुआ है, तो वो भी आपको कंपैरिजन पता चल जाएगा दोनों का। माइक से मैं वीडियो फुटेज लूँगा और आपको वीडियो में डाल दूँगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा माइक बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं माइक दिखा देता हूँ पहले, तो मैं शुरू करता हूँ। हमारा जो ये निवेर का माइक है, ये वाला मैं यूज़ कर रहा था इतने दिन से, ये भी टूरिंग माइक है, डायरेक्टली गोप्रो में लग जाता है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा माइक है अभी तक के लिए, अच्छा माइक है। इसकी वायर देखो यार, अभी वायर क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा कि वायर तोड़ के आपको मोटी लग रही होगी। हाँ ये है भाई हमारा जो रोड का माइक मंगाया मैंने ये, अब इसकी वायर देखो आप यार, ठीक है माइक नो डाउट अच्छा है, बट यार वायर क्वालिटी जो हमारा 250 रुपये का माइक था उससे भी पतला वायर है। वायर क्यों दिखा रहा हूँ भाई, अगर गलती से ये कहीं अटक जाता है या अपन से टूट जाता है भाई, टूटने के इसकी कोई वारंटी नहीं होती, 2 साल की वारंटी आती है इस माइक की, रोड की है, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, जब आपका डिलीवर्ड हो जाए तो आपको 2 साल की वारंटी मिल जाएगी, लेकिन वो डैमेज की नहीं मिलती है, तो टूट जाए फूट जाए तो भाई इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये देख लो भाई, ये अपना माइक, ये रोड का, और ये अपना जो नॉर्मल माइक था वो है, निवेर कंपनी का माइक था ये वाला। तो भाई इसकी भी वायर बहुत पतली है, जो मेरा इंटरकॉम लगा हुआ है ना यार उसकी भी वायर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसकी भी वायर आपको ये देखो कितनी मोटी वायर है यार, इंटरकॉम भी मतलब इंटरकॉम की वायर भी इतनी मोटी है। बस ये है कि यार अगर इसका वायर थोड़ा अपन को मोटा मिल जाता ना तो मज़ा ही अलग हो जाता। तो ये भाई माइक अपना लेवलियर गो, जो कि ये रही इसका सीरियल नंबर होता है, अगर आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना हो तो ये जो सीरियल नंबर है ये डालने होंगे और ऑनलाइन आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो फटाफट से चलते हैं हाईवे पे और यार ऑडियो टेस्ट करेंगे अपना अन हाईवे पे, ताकि अपन को ऑडियो विंड नॉइस का पता चल पाए कि कैसे अपन को मिलेगी ऑडियो हाईवे पे। क्या मेन चीज़ क्या, अपनी बाइक चलती है जो मेरे पास है यामा FZ, तो मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो 80-90 की स्पीड तो मान ही लो उसमें तो रहेगी, अगर उस पर आप बात करेंगे तो कैसी भी हो जाएगी, तो अपन 80-90-100 जितना भी होगा वहाँ मैं आपको स्पीड बता दूंगा कि किस स्पीड में मैं चल रहा हूँ और कैसी ऑडियो आ रही है, कैसी ऑडियो कैप्चर कर रहा है। ये तो मिलते हैं फटाफट से आपको बाइक पे, हेलमेट पे अपना माइक सेट है, पहले अपन यूज़ करेंगे जो मेरा नॉर्मल माइक है निवेर का जो मैं यूज़ करता आया हूँ वो वाला, और देन रॉड का माइक यूज़ करने वाला तुम्हारा भाई आज, तो इसी बात तो सब्सक्राइब कर देना यार। चलो मिलते हैं फटाफट से बाइक पे, इंस्टाग्राम आईडी राइडर आसिफ व्लॉग्स, अगर कुछ भी सवाल जवाब हो तो आप वहाँ आइए यार, फॉलो कर लो, बात कर लो यार, फॉलो ना करो यार बात तो कर लो यार। चलो मिलते हैं फटाफट से आपको मोटो व्लॉग में।
ओके ऑल सेट। तो अभी अपना अगर आपको मिरर में दिख रहा होगा तो ये वाला जो है ये माइक अगर आपको मिरर में दिख रहा है तो रोड वाला मैंने साइड में कर लिया है एंड जो मेरा निवेर का माइक था वो मैंने लगा लिया है। लेट्स गो। और कैसा रहेगा अपना एक्सपीरियंस अभी निवेर की आप ऑडियो सुन रहे हैं उसके बाद आप ऑडियो सुनेंगे गोप्रो में रोड की रोड माइक की। सो लेट्स गो हाईवे पे चलते हैं यार। आ गए हैं हाईवे पर जहाँ अपन हमेशा राइड करते हैं और हाईवे पे अपनी राइड होती है तो यहाँ अपन को ऑडियो कैसा मिलेगा एक बार मैं वाइजर ओपन कर देता हूँ। और अभी मेरा जो निवेर वाला माइक है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ और मेरी बाइक की जो स्पीड है वो 50 से 55 के किलोमीटर पर आवर के बीच में अभी चल रही है। सो अभी वाइजर ओपन मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज अपन ओपन करके तो राइड भी नहीं करते हैं। इसको मैंने बंद कर दिया और बाइक की स्पीड हो गई है 79-80। तो अभी रिसेंटली मैंने किया लेह लद्दाख, अगर आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। कुछ अपलोड है कुछ अपलोड होना बाकी है तो वो हो जाएंगे यार, कुछ दिक्कत आ गई थी, अब क्या करें, अपलोड करेंगे कैसे ना कैसे करके। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरे रैनसमवेयर अटैक हो गया था मेरा लैपटॉप पे तो पूरा डेटा करप्ट हो गया था, देन अब क्या कर सकते हैं। तो ये है भाई अपना, अभी थोड़ा स्पीड अप करते हैं और 900 पे मैं बात कर रहा हूँ अपने लोकल माइक निवेर गो पे से। निवेर गो नहीं है, निवेर ओनली यार, मतलब गो लेवलियर गो खरीद लिया था, गो ही गो याद आ रहा है। तो देखो ऐसा हाईवे है और ऐसी स्पीड और विंड ब्लास्ट है अभी, ये देखो मेरी जैकेट उड़ रही है तो हवा बहुत तेज चल रही है। तो अभी अपन थोड़ी सी दूर चलते हैं, दैन स्विच करता हूँ मैं मेरे अपने रोड वाले माइक पे। थोड़ी देर अपन इस माइक से भी बात कर लेते हैं ना यार, क्योंकि मुझे तो यार माइक चौथा माइक आई थिंक ये मेरा फाइनल माइक होगा और हो सकता है फ्यूचर में अगर उससे भी अच्छा कोई माइक मिले अपन तो अपग्रेड कर लें, बट इस बजट के बाद मन नहीं करता भाई अपग्रेड करने का। अगर अच्छी ऑडियो मिल गई तो भाई फिक्स कर देंगे माइक। तो निवेर भी मैंने 8-10 महीने हो गए मैंने यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है नो डाउट। तो अपन सीधे ही चलेंगे, कहीं ना घूमेंगे, हाईवे वाईवे चलेंगे, इसके आगे जो टर्न आएगा उससे यू टर्न ले लेंगे। तो ओहो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। तो लेट्स चेंज द माइक और ऑडियो में अगर आपको फ़र्क लगे तो कमेंट करना। मैं एक बार यहाँ लेफ्ट में रोक लेता हूँ बाइक और माइक स्विच करता हूँ। ओके सो अभी वाइजर ओपन है और अपन ने रोड वाला माइक लगा लिया है, ये निवेर वाला जो माइक था वो मैंने हटा दिया है। अभी वाइजर ओपन है, बाइक स्टार्ट करते हैं और कैसा आवाज़ आ रही है बताना वाइजर ओपन में। ये विंड नॉइस आ रही है नहीं आ रही है, ये हॉर्न वॉर्न बज रहे हैं नहीं आ रही आवाज़, ये कारें निकल रही है ट्रक निकल रहे हैं इनकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, एक बार कॉमेंट्स करके बता देना भाई। तो ये कर लेते हैं अपन वाइजर डाउन, तो वाइजर डाउन कर लिया है अब अपन ने और ऑडियो कैसा आ रहा है 75 की स्पीड पर अपन चल रहे हैं भाई। और मेरे पास ये अल्टो चल रही है भाई, इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होगी बिल्कुल भी। और ये ट्रक निकलता है, देखो ट्रक के इधर से अगर अपन निकलते हैं तो ट्रकों की बहुत साउंड आता है, ये बाइक वाला हॉर्न बजा रहा है इसकी आवाज़ आई है नहीं आ रही है। अगर इधर उधर का साउंड इस माइक ने कैप्चर नहीं किया तो वन ऑफ द बेस्ट माइक ये रहेगा मेरे लिए, माना थोड़ा कॉस्टली रहेगा। अगर अपन थोड़ा स्पीड अप करते हैं यार 90 तक की स्पीड करते हैं देन अपन चलते हैं। विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है और अभी अपन चल रहे हैं 9900 पे, 100 की स्पीड पे मोटर व्लॉग कर रहे हैं। ये बाइक चल रही है अपने पास में, आगे कारें चल रही है और विंड ब्लास्ट इतनी तेज़ आ रहा है मुझे खुद को फील हो रहा है। तो भाई आवाज़ तो क्लियर आई तो आप कमेंट्स कर देना भाई कि क्लियर आ रही है, फाइनल कर दो इस माइक को, इसी माइक के साथ वो मोटर व्लॉग देखना है हमें। तो एक बार फटाफट से कर देना, यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा भाई, आगे टोल आ गया क्योंकि फिर अपन को इतना बड़ा वीडियो बनाना भी नहीं है तो इतनी दूर जाके करना भी क्या है। तो लेट्स मेक यू टर्न फॉर्म, तो यहाँ से लेता हूँ मैं यू टर्न आगे। तो ये बलेनो चल रही है, बलेनो से अपन ने ले लिया यहाँ से यू टर्न। तो ये लो भाई अब ये आगे ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है। तो भाई ऑडियो कैसा लगा बता देना एक बार अगर आप बोलें तो। दोनों का पीछे जाके देखो और अभी देखो कौन सी ऑडियो बेस्ट है, कमेंट्स करके बताओ फटाफट बताओ यार क्या सोच रहे हो, कमेंट कर दो। हाँ भाई ठीक है नहीं है खराब है अच्छी है बुरी है सही है जो भी है कमेंट करो फटाक से। तो भाई ये है अपना वीडियो और भाई फुल स्पीड पर अपन ने कर लिया, अपन इससे ज़्यादा अपन चलते भी नहीं है और इसी स्पीड में मोटर व्लॉग करने में मज़ा है भाई। अगर आप मोटर व्लॉग करते हैं तो भाई आप सोच लो समझ लो कि कौन सा माइक लेना है, जो भी माइक लेना हो अमेज़न पर सर्च कर लो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो निवेर जो माइक है यार अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, बाकी का मोनो का आपको मिल जाएगा, बोया का आपको मिल जाएगा और लेवलियर गो तो ईजिली मिल ही जाता है।
तो भाई अगर आपको मोटो व्लॉग करना है तो भाई देख लेना, आपके हिसाब से चार माइक बताएं, चारों में से जो आपको बेस्ट लगे तो वो माइक आप खरीद लेना। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मोनो वाला माइक ले लें, अगर आपका बजट है 650 और 1000 के अंडर तो मोनो वाला मैं सजेस्ट करूँगा, वो लो, सबसे अच्छा माइक है। देन निवेयर वाला तो आपको मिलेगा नहीं, ये भी ठीक है बट ऑडियो थोड़ी दबी आती है। अगर आपका बजट है कि हाँ भाई 5000, 6000, 7000 आप खर्च कर सकते हैं, देन गो फॉर रॉयल लेवलियर गो। कौन सा माइक आपको बेस्ट लगता है? अगर इससे पहले का मैंने एक वीडियो बनाया था बेस्ट माइक फॉर गोप्रो, तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने दो माइक का कंपैरिजन बताया था, मोनो का और जो मैंने नया लिया था निवेयर का। इस वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन दिखा दिया है निवेयर का एंड रॉयल लेवलियर गो का। तो भाई कंपैरिजन तो हो नहीं सकता क्योंकि प्राइस में ही आपको पता है रात दिन का अंतर है, तो प्राइस से तो कंपैरिजन हो नहीं सकता। क्वालिटी से आपको बता दिया कंपैरिजन, क्वालिटी से भी कैसे कंपैरिजन करें, आप खुद सोचो 250 और 6000 में बहुत अंतर है, तो ऑब्वियसली कि रोड की ही क्वालिटी अच्छी आएगी। तो भाई इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे ही। अगर आपको मोटो व्लॉग देखना पसंद है तो आपके भाई को सपोर्ट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके 10000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं अपने, फटाफट से 10000 सब्सक्राइबर करवा दो ताकि यार थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। टिल देन सो फार सो गुड, ऑलवेज योर हेलमेट, राइड सेफ, बाय बाय।